बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक और होटल के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले टूरिस्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, और ये होटल जिसके हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ वो है वर्ल्ड रूफ होटल एंड रेस्टोरेंट। नंबर इनके हैं 0581-3457-153, ये इनका लाइन नंबर है। और दूसरा मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ 0332-366-3919। और जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वर्ल्ड रूफ होटल एंड रेस्टोरेंट, और ये करीमाबाद के उन चंद होटलों में शामिल है जो बुनियादी यहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिस्ट के हवाले से बनाया जा रहा था तो उस वक्त ये होटल बना था। और ये वाकई हम समझेंगे कि करीमाबाद के छत पे मौजूद हैं, और यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ जो है टूरिस्ट के लिए बनाई है। और यकीनन ये एक पुराना इनका होटल है, तो इस वजह से एक एज भी हासिल है इनको और टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। गो के ये होटल इतना बड़ा नहीं है, मगर ये है कि खूबसूरती के लिहाज से, फिर इनके फूड के लिहाज से, फिर यहाँ से जो व्यू वगैरह है पूरे इलाके की, उस हवाले से एक मुनफरिद जो है होटल हम कह सकते हैं। और इनके बुकिंग के हवाले से भी आप एडवांस बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि हुंजा के अंदर कुछ चंद ऐसे होटल्स हैं जहाँ से व्यू बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त आता है, और जितने भी गेस्ट हैं वो इस तरह के होटल्स में रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए बुकिंग वगैरह ऑलरेडी या पहले से करना या उनके साथ बातचीत करना कुछ ना कुछ, तो इनके लिए आपके हेल्प के लिए, टूरिस्ट के हेल्प के लिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और इनके जो है होटल्स के विजुअल्स भी जो है इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा होता है कि कैसे होटल में, किस तरह के होटल में रहना है। तो नॉर्मली अगर मैं ये बात करूं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो होटल्स हैं उनकी अमूमन एक ख़ास रेंज होती है होटलों के हवाले से, कोई किसी किस्म के ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा इनका सिस्टम है और एक ख़ास तरीक़ाकार से इन्होंने रेट्स जो है तय करके रखे हुए हैं। और इस गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर हमेशा जब भी टूरिस्ट आते हैं तो बड़ा इनका फोकस होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स उनके होटलों के हिसाब से जो इनके 2 स्टार 1 स्टार 3 स्टार 4 स्टार के हवाले से इनको रूम्स दिए होते हैं उसी के हिसाब से ये लोग चलते हैं। और इसमें कोई किसी किस्म की इन होटलों के अंदर जो है गिलगित बल्तिस्तान में हेरा फेरी या इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, ये अमूमन हमने पाया। और जितने भी गेस्ट से हमारी बातचीत होती है तो उनमें इनका यही कहना है। तो मेरा ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में आएँ, एक दफ़ा ज़रूर आएँ ज़िंदगी में, गिलगित बल्तिस्तान का विज़िट करें, और यकीनन आप एक मुनफरिद जगह पाएंगे। और कुदरत ने जो है कूट कूट के जो है इसको जो है हुस्न से नवाजा है, हर किस्म की जो खूबसूरती यहाँ पे आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिलने जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन के वीडियोस जो है स्पेशली मैं बना रहा हूँ, इसके अलावा और दीगर भी वीडियोस गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊँगा। तो नॉर्मली अगर एक जनरली बात की जाए तो आपको जो है 1500 से ले कर 30,000 के जो होटल्स आपको अवेलेबल हैं। तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी लोगों तक ये मेरी मैसेज पहुंचे, और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान का आप विज़िट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।